हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम आज करने वाले हैं अपने फाइनल 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये अपना रहेगा ड्यूअल सेशन। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप उनको जाके चेक कर सकते हो। हमने अभी 4 वीडियो में मोर देन 1000 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मतलब आज हो जाएंगे मोर देन 1000, यू कैन से नियरली 1500 क्वेश्चन। तो एक बार उनको ट्राई ज़रूर दें, एक बार देखें, खुद को जज करें आपको कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने नहीं आते। दोस्तों, 1500 क्वेश्चन कम नहीं होते, ठीक है। अगर आपको 1500 क्वेश्चन आते हैं तो आप किसी भी बड़े टेस्ट को इजीली कवर अप कर सकते हो, इजीली उसको क्रैक कर सकते हो, क्योंकि GS और GK का बहुत वास्ट सिलेबस होता है। यहाँ तो एक हमने ट्राई करी है, इसके बाद भी लगातार क्वेश्चन आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कल हमने ख़त्म किए थे अपने 750 क्वेश्चन। तो हमने कहा था टिप टू टिप चलेंगे, तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल नहीं था। तो आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां दोस्तों। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है दोस्तों? 1.3 सेकेंड। अब क्वेश्चन ये है कि सनलाइट को सन से अर्थ पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखते हैं कौन बता पाएगा। पन्ना की खाने, ठीक है, मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हीरा के लिए, हीरा निकलता है वहाँ से। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र, ठीक है दोस्तों। इजिप्ट के अंदर नील नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर भी है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पूरा नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट घाना, यहाँ पे वो काले काले निग्रोज होते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। आपने ताज टी की एड देखी होगी, उसमें ये बताता है बंदा। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलम्बस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 अधिवेशन में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसका फॉर्मूला था दोस्तों E=mc². वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिवर भाइयों ने, इनको राइट ब्रदर्स भी कहा जाता है। प्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है दोस्तों? रोम। शुक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? क्यूरीज ने, पियरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने। नोबल भी इन्होंने लिया था, और ये बाद में कैंसर से, रेडिएशन से मर भी गए थे। कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है दोस्तों? 155 मीटर। अर्थ के सरफेस से अगर आप हाइट पे जाते हो एटमॉस्फेयर के अंदर, तो दोस्तों 165 मीटर चलने पर 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी हो जाती है। किस ग्रह के चारों ओर वल्य हैं? मतलब के विच प्लैनेट हैव रिंग्स अराउंड इट? शनि के। विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। और सबसे घटिया यहाँ का स्टाफ है, वाहियात लोग हैं, बहुत रेयरली अच्छे लोग मिलते हैं। नहीं तो एक ही काम आता है इनको, ये काम वहाँ करवाओ, सिर्फ और सिर्फ इशारे करना। सफ़ेद हाथियों का देश दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। और कंगारू कभी भी पानी नहीं पीता। ऊँट तो ज़्यादा टाइम तक प्यासा रह लेता है, लेकिन पानी पीना पड़ता है, बट कंगारू पानी पीता ही नहीं। ये अपनी बॉडी के अंदर जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है, उसी से सारा पानी अपना कंप्लीट कर लेता है, इसको एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए होता। और अपने बच्चे को पेट में रखी पॉकेट के अंदर रखता है। सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। 10th क्लास की किताब से क्वेश्चन ये है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? हु फाउंडेड स्वराज पार्टी इन 1923? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को।
माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नारको भारत से और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों पद्मावत की रचना की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। दोस्तों आज एट प्रेजेंट 2020 के अगस्त में कौन है अमेरिका का राष्ट्रपति? शोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? जहांगीर ने। भारत में पुस्तकालयों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। और दोस्तों गोवा को सबसे लेट में आज़ादी मिली थी 1961 में, ठीक है। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? दिवाली के दिन। कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का ऑफिस जो है, हेड ऑफिस है, वो वाशिंगटन में है। पेंसिल की जो लेड होती है वो किससे बने होती है? वो ग्रेफाइट से। और दोस्तों कभी भी पेंसिल को स्विच में लगा के जीप से मत चखना, ग्रेफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो आप ज़बरदस्त झटका फील करोगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। ड्राई सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अगर कोई साइंस फील्ड का बच्चा है तो प्लीज़ लिखे नीचे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे तो पता है वैसे आपके लिए। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का डाक तंत्र, आपका जो पोस्टल सिस्टम होता है सारा। ये लाल त्रिकोण रेड ट्रायंगल किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? वल्नीकरण दोस्तों, ठीक है, वल्केनाइजेशन। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। क्रिकेट प्रेमी बहुत हैं हमारे यहाँ पे, बता भी देंगे वो। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है? दोस्तों राई सोनीपत में, ये हरियाणा में है, दिल्ली के पास। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? ताशकंद में। और ये वहाँ पे ताशकंद समझौता करने गए थे और मृत्यु तो क्या होनी थी, इनको मरवाया गया था। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? संस्कृत में। 12 मार्च 1940 को जलियावाला बाग हत्याकांड कराने वाले डायर की किसने लंदन में हत्या की? शहीद उद्धम सिंह जी ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। तो ये बताओ कि जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। आसाम का पूरा नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? सन 1973 में, ये जो काजीरंगा में या सुंदरवन में टाइगर को बचाने के लिए था। प्याज लहसुन में गंध किस वजह से होती है? सल्फर के। और इसी सल्फर की वजह से इनको जब भी हम कोई मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो काफ़ी अमाउंट में प्याज को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि सल्फर जो है वो हाई अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। केंद्र सरकार या केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? सरकार या आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटिन, इंग्लैंड से। अच्छा दोस्तों बताओ चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था वो कौन था?
ये एडविन ल्यूटिन था और चंडीगढ़ का था आपका ली कार्बुजियर। बड़ी ज़बरदस्त सिटी है चंडीगढ़, कभी जाना, दिल्ली तो उसके सामने चाय कम पानी है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? देखो दोस्तों, मार्स और जुपिटर के बीच में, ये आपकी अर्थ है, ये मार्स है और ये आपका जुपिटर है, इस चेन में जो बड़े बड़े उल्का पिंड घूमते हैं उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत। और कमाल की बात दोस्तों भारत की क्या है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा दूध देने वाले पशु नहीं हैं जितना ज़्यादा दूध यहाँ पे पैदा होता, तो अब आप अंदाज़ा लगा लो हमारे देश में दूध कहाँ से बनता है। पागल कुत्ते काटने पर कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दोस्तों रेबीज होने पर इंसान को पानी से डर लगता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामुदई। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस अक्षेत्र से है? फिश कल्चर से, मत्स्य पालन से। दोस्तों नीला रंग पानी का होता है और इसीलिए इसको मत्स्य पालन से जोड़ा गया है। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको सारी रिवॉल्यूशंस के बारे में बता चुका हूँ, वाइट रिवॉल्यूशन क्या था, ब्लू रिवॉल्यूशन क्या था, गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, जाके आप चेक कर सकते हो। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत का सबसे कम वर्षा वाला इलाका कौन सा है? लेह जम्मू कश्मीर, यहाँ तो बारिश ही हो जाती है, सॉरी बर्फ ही गिर जाती है। कौन सा ग्रह पहाड़ी, सॉरी पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। वैसे इंडिया में तो भाई SM स्वामीनाथन का नाम ज़्यादा चलता है, इनके साथ मिलकर काम किया इन्होंने। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मिथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? मिथाल आइसोसाइनाइट। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस अक्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से, अकबर के शासन में था ये आई थिंक। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा? जॉन्स साल्क ने। कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 21 वर्ष होना जरूरी है। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजोन की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ। दोस्तों याद रखना, खरीफ और रबी, रबी रजाई लेकर सो गया तो वो सर्दियों में सोएगा, सर्दियों में फसल उगाई जाएगी और गर्मियों में कटेगी, और इसके अपोजिट आपकी खरीफ क्रॉप है जो कि गर्मियों में उगाई जाएगी, सर्दियों से पहले कट जाएगी। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया? नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील जो है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम रहीम ने। जेल में पड़ा है भाई ये किसी का पापा बोलते हैं भगत इसको। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्ट प्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने।
शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की महल में, मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? ताजमहल। इसके बारे में कल बताया था, बताना आपकी विचार क्या है इसको लेके। किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? जहांगीर के। सिख धर्म के गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी, किस गुरु की? गुरु अर्जुन देव की। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने, जो कि बेगम थी, रानी थी अकबर की। किसने अपनी विजयों का उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने, ये गुप्त साम्राज्य से था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी ओडिशा में। तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में, और दूसरा हुआ था 1192 में। और क्वेश्चन आपके लिए है कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? वो 1200 में हुआ था, बताना मुझे कब और किसके बीच हुआ था। चलो मैं सन पूछ रहा हूँ, वो हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। जयचंद के बीच हुआ था, जयचंद हार भी गया था, बताना कब हुआ था। 1200। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। नोट 1200 और मैंने पीछे कुछ छोड़ा है, वो बताना आपको कितना है वो, ठीक है। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और इसका जो खास था वो था मेगस्थनीज। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने करवाया? हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में। किस एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 साल बाद। भारत में कुल कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। अजंता की गुफा में चित्रकार्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 साल तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद, क्योंकि तेलंगाना नया नया बना है। भारत में कितने पिन कोड हैं? 9। हमारा पिन कोड है 131301, आपका क्या है बताना। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड का शुभारंभ कब हुआ? 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता व थार एक्सप्रेस। इसी में मुन्नी इंडिया में रह गए थे और भाईजान छोड़ के आए थे। भारत की प्रथम रेल कब चली? इलेक्ट्रिक रेल 1925 में, उसका नाम था डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। 63,974 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ रेल लाइन्स इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्ण हिम आच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कम्प्लीटली बर्फ से ढका हुआ है। पृथ्वी के तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%। पानी बचे हुए इससे भी 70% पे। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तिवु द्वीप और न्यूमूर द्वीप। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का मैं पिछले वीडियो में को बता चुका हूँ। भारत मानक समय और ग्रीनविच में कितना डिफरेंस है? 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल लाइन भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। सबसे लंबी पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अभी ऊपर हुआ था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? टिथिस नाम का ओशन था। सबसे यंग आपका माउंटेन भी हिमालय है और लिविंग माउंटेन भी हिमालय है, ये अब भी बढ़ रहा है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार केरल में।
लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। कोयले की उच्चतम क्वालिटी कौन सी है? एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदाड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर में। सर्दियों में मैंने बताया था रबी रजाई लेकर सो गया। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत कब की गई, किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेल को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फीट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भाई क्रिकेट से बहुत सारी चीज़ें निकाली गई हैं इसी वीडियो में, और मतलब पूरे 1000 क्वेश्चन में कम से कम भी 10 क्वेश्चन क्रिकेट से हैं, तो जिस भी क्रिकेट प्रेमी को पता हो उनके बारे में मुझे ज़रूर बताना। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? दोस्तों ब्राज़ील ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। अंटार्कटिक में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। एलिजा का इस्तेमाल किस डिजीज़ को पहचानने में किया जाता है? एड्स को। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ऑरेंज। क्यों? क्योंकि दूर से दिखाई जाएगा काफ़ी भड़कीला रंग है। फुट एंड माउथ डिजीज़ किन में पाया जाता है? गाय और भैंस में। इसको खुरपका और मुँहपका कहते हैं, बाकी इसको इंग्लिश में माउथ एंड फुट डिजीज़ बोलते हैं। सूचना की उच्च सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बिट। बिट के बाद मेगाबाइट, फिर आपकी गीगाबाइट, फिर आपकी टेराबाइट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या कितने परसेंट है? 27%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का लिंग अनुपात कितना है दोस्तों? 940। सबसे बुरा हाल हरियाणा का था। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? हरियाणा। नाम लिया शैतान का और शैतान हाजिर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में। और भाई हरियाणा वाले आजकल बिहार से ही बहुरिया लेके आ रहे हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ है? अंटार्कटिक पे। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। भारत में औसतन वर्ष कितनी वर्षा होती है? लगभग 118 सेंटीमीटर रेन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले एंटर करता है? केरल में। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के फाउंडर कौन थे? रे टॉमलिंसन। WWW का आविष्कारक कौन थे? टिम वर्नर्स ली। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है?
फ्रांस की क्रांति की। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। मैक्सिमम ओजोन डिप्लीटिंग गैस कौन सी है? CFC, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है ओजोन को। ओजोन का मोलिकुलर नेम है O3। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य की वजह से चंद्रमा की छाया अर्थ पर गिरती है और हमें सूरज दिखाई नहीं देता। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? बरसात का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का। मेरे घर के पास है पानीपत थर्मल, आपके पास कौन सा है? अगर है तो बताना। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस तरह से परिवर्तित होती हैं? आयनोस्फेयर से आयनमंडल से। सारे मंडल मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। शोभ मंडल में धरातल की अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? जून से सितंबर, जो कि अभी चल ही रहा है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैंप नामक से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% पार्ट, 29 किलोमीटर तक मिलता है, उसके बाद सब गद खत्म हो जाता है धीरे धीरे। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में। बंगाल, बिहार, ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर जीत गया था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया? गुजरात विजय पर। भू राजस्व की दशाला पद्धति किसने लागू करी? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 मास। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम, जो गुब्बारे उड़ने वाले होते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? स्प्लीन, इसको ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। गाय के दूध का रंग पीला किसकी वजह से होता है? कैरेटीन की वजह से। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा संगठन का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय में। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? मतलब के जो चाबी वाली जो आपकी घड़ी होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। फ्यूज तार किससे बनी होती है? टिन और शीशे के अलॉय से। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन ने और गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए थे न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किया था? ऑटो हॉर्न ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क हैं, मिनरल्स हैं। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। SI यूनिट सिस्टम 1971 में स्टार्ट हुआ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है।
WBC का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, टू एनहांस द इम्यूनिटी पावर। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना कहलाता है ईमेल करना, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैराथन की दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। समुद्र जल की से शुद्ध जल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? एवेपोरेशन से। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? 1:10 में से एक तो कम से कम होना चाहिए। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ड्यू टू द एक्सेस आयरन ऑक्साइड। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक लगाने वाले आदमी थे आपके लाला अमरनाथ। दोस्तों, आपकी 1000 क्वेश्चन की मैराथन आज पूरी होती है। इसको मैं एक कंबाइन वीडियो बना के भी डाल दूंगा और इसको पढ़ा करो। इससे होता क्या है, देखो मैंने कम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कन्वे करी है। आप PDF भी ले सकते हो चाहो तो, मैं आप इसे कमेंट में लिख देना। इसके अलावा अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हो तो आप वो भी ले सकते हो। और बोल के मैंने सारे सुना दिए, जो भी छोटा मोटा डाउट होता वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक अगर कोई पहुँचा हो, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और दोस्तों शेयर भी कर दे तो बेटर रहेगा। इससे होता कुछ नहीं है, हमें अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूज़ आते हैं, मन करता है आपके लिए काम करने का। तो आई होप आप करोगे, कुछ सपोर्ट करोगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।